और लोगों की बातों से जिस दिन तुमने अफेक्ट होना शुरू कर दिया ना, तो उस दिन समझ लेना तुम्हारी लंका लग जाएगी, जस्ट अभी जैसे रावण की लगी है दशहरे के दिन, बस जस्ट वैसे ही लग जाएगी। उपमा खाएगा कोई? लो लो। Hey, what is up? Welcome back to the channel PCB Vlogs के एक और नए व्लॉग में आप सभी का हमेशा की तरह स्वागत। ऑल राइट, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो arjun_blinglife ये नीचे भी लिखा आ रहा है, यहाँ पे जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि कुछ दिनों बाद में जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स बीच बीच में आने वाले हैं, बहुत मज़ेदार अपडेट्स आने वाले हैं, वो सारे वहाँ पे आएंगे और सिर्फ आप वहीं पे देख पाएंगे। किन अपडेट्स की बात कर रहा हूँ अभी इसी वीडियो में आपको आगे चल के पता पड़े। तो एक बात बताना चाहूँगा कि आज तक मैंने जब भी कुछ भी किया है ना, विद पर्पस किया है, बिना पर्पस कुछ भी नहीं किया है। और अभी एक सबसे बड़ी चीज़ बताता हूँ कि ये जो पिछले जो 4 या 4.5 महीने जो बीते हैं, इसके अंदर ऑलमोस्ट काफ़ी जनों ने मुझसे पूछा, जो लोग करीबी हैं, जो लोग मेरे को जानते हैं और उनमें मेरे घर वाले भी इंक्लूड हैं, कि क्या तूने जिम जाना छोड़ दिया है, तू जिम नहीं जा रहा है क्या? और कल भी मेरे फादर ने ये बात मेरे से पूछी, हम गाड़ी में वापस आ रहे थे, कि तूने जिम छोड़ दिया क्या? तो इसके पीछे एक पर्पस था और उसी के बारे में ये वीडियो होने वाला है कि ये चीज़ मैंने क्यों, और उनमें से किसी को भी मैंने कुछ सही बात नहीं बताई थी, क्योंकि मेरा हमेशा से रहा है अगर कोई चीज़ मैं करना चाहता हूँ तो स्टार्टिंग में मैं किसी को कुछ नहीं बताता, उसको एक काइंड ऑफ सीक्रेट ही रखता हूँ और बाद में रिवील करते हैं अगर वो चीज़ मेरे को वास्तव में करनी होती है या मैं करना चाहता हूँ। क्योंकि मोस्टली मैं वही करता हूँ जो मुझे खुद को पसंद होता है या जो मैं करना चाहता हूँ। जिनको नहीं पता कि ये किस बारे में बात हो रही है, तो मैं पहले उनको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि किस बारे में बात हो रही है। तो गाइज मैं बता दूँ, बहुत लंबा समय, कई साल हो चुके हैं मुझे जिम से जुड़े हुए, काफ़ी बार कम्पीट भी कर चुका हूँ, 2 बार मिस्टर जोधपुर भी बन चुका हूँ। अब उस टाइम मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं था, लेकिन जब मैंने बनाया था, मैंने इसी पर्पज से बनाया था कि मैं YouTube चैनल बनाऊंगा, लोगों के साथ कनेक्ट करूंगा और अगर मेरी लाइफ से किसी के ऊपर भी थोड़ा भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है तो चैनल बनाना जो है वो सार्थक हो जाएगा। घूमने फिरने वाले ब्लॉग बिल्कुल आएंगे, लेकिन मेरा मेन मोटिव यही था कि किसी ना किसी की लाइफ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, लोग खुश रहें और कोई भी अपने क्या मतलब कोई भी छोटे मोटे कारण की वजह से कभी भी कोई डिप्रेशन में ना जाए बंदा, ठीक है। तो मैंने काफ़ी टाइम पहले सोचा था कि एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में स्टार्ट करूंगा अपने चैनल के ऊपर, लेकिन मैंने उस टाइम उस शेप में था कि वहाँ से वो कोई ट्रांसफॉर्मेशन देना, मतलब क्या देखा था मैं तुमको, मैं पहले से ही फिट था बंदा तो उसने क्या मोटिवेट किया। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा रुक के करूँगा, तो वो रुक के इतना डिले हो गया कि वो वीडियो आज तक कभी बन ही नहीं पाया। अब मैंने पिछले 4 ऑलमोस्ट अब 5 महीने हो जाएंगे मैंने जिम बिल्कुल रोक दिया, मैंने खाया बीच में, मेरे साथ क्या होता है मैं जिम जैसे रोक देता हूँ तो भी मेरा वेट ड्रॉप हो जाता है, लेकिन मैंने वापस से वेट गेन किया, सब कुछ खाया, प्रोसेस्ड फूड खाया, सब कुछ करा, मैंने वेट गेन किया। अब जो देखने वाले थे, मैंने जब उनको बताया नहीं कि ये मैं क्या हो रहा है, तो उनको मतलब ये लग रहा था कि क्या पता इसका जिम से मन भर गया हो या फिर ना क्या कहते हैं आलसी हो गया या जो भी है, बस अब खा रहा है पी रहा है। लेकिन उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मुझे वेट गेन करना था, क्योंकि अगर वेट गेन नहीं करूँगा तो आपको मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा कि जिनका पहले से वेट बढ़ा हुआ है वो भी वेट कम कर सकते हैं जिम में जाके। और एक बात और बता दूँ मैं कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कोई सप्लीमेंट नहीं होंगे, कोई फैंसी डाइट नहीं होगी और ना ही कोई फैंसी जिम होगा। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आपको अपने आप को अगर ट्रांसफॉर्म करना है ना, तो इन सब चीज़ों की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है वो यही है कि आपको इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से बहुत लोग बैकआउट कर जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको नहीं चाहिए। अब क्योंकि इसमें कोई भी ज़्यादा ऐसे सप्लीमेंट्स या फिर कुछ भी किसी भी प्रकार का कोई स्टैक या फिर कुछ भी नहीं चलने वाला, तो आप कभी भी एक ड्रास्टिक रिजल्ट कहते हैं ना जिसको, कि एकदम से बहुत ज़्यादा चिजल्ड बॉडी और सब कुछ, ऐसा एक्सपेक्ट बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि उस लेवल तक जाने के लिए आपको सप्लीमेंट्स चाहिए होते हैं। मैं कभी भी फालतू की फर्जी बातें करने में विश्वास नहीं करता हूँ, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे खुद को भी नहीं पता है, क्योंकि मैंने आज तक प्रोटीन सप्लीमेंट
कहते हैं ना वे प्रोटीन, मोस्ट ऑफ द यूज़ मैंने उसी का किया है, वे प्रोटीन का, अपनी जो भी प्रोटीन इंटेक होता है उसको पूरा करने के लिए। तो मैं वो भी नहीं लेने वाला हूँ, तो मुझे खुद को भी नहीं पता कि ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा बिना इन बेसिक सप्लीमेंट के भी कैसा होने वाला है। पर हम अपना 100% देने वाले हैं, ये बात तो पक्की रूप से तय है, और देखते हैं फिर। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, हम एक काम करते हैं कि 90 दिन का रखते हैं, 3 महीने का, 3 महीनों में किस तरीके के रिजल्ट आते हैं। हाँ ये ज़रूर है कि डाइटिंग हम अच्छी करने वाले हैं। डाइटिंग का मतलब ये नहीं है कि भूखे मरेंगे। और जो सीरीज़ है मैं पैरेलल शूट करूँगा, अपने जो नॉर्मल व्लॉग्स आते हैं इस चैनल पे वो आते रहेंगे, लेकिन वो सीरीज़, अब ये सबसे बड़ी बात आप सुन लो, वो सीरीज़ है वो पैरेलल चलेगी। पैरेलल का मतलब ये है कि मैं शूट करूँगा लेकिन अपलोड मैं उसको पार्ट में डिवाइड करके कब करूँगा, जब वो 3 महीने की सीरीज़ पूरी कर लूँगा मैं, ठीक है। अभी नहीं करने वाला हूँ, अभी अपने जो मस्त नॉर्मल व्लॉग्स जो आते हैं ना वो ही आएंगे, क्योंकि पैरेलल वो जर्नी शूट करना और वो उसको डालना ही डालना वो बहुत हैक्टिव हो जाएगा। अभी मैं उसको शूट करके और एडिट करना नहीं चाहूँगा, मैं उसको बाद में ही डालूंगा जब एक बार वो कंप्लीट हो जाएगी। एक बात मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि कभी भी है ना, सबका ट्रांसफॉर्मेशन, सबकी फिटनेस जर्नी बहुत अलग अलग होती है। इतने सालों में मैंने यही देखा है, सबके गोल्स अलग होते हैं, सबके मोटिव अलग होते हैं। अगर आपको कम्पीट करना है तो ही सप्लीमेंट और इन सब में घुसो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल फिटनेस तो मैं अभी जैसे ये 3 महीने का बताऊंगा ना, इसमें ही बहुत बड़ा मतलब आपको ज़मीन आसमान का जो अंतर है वो दिख जाएगा। तो इन सब चीज़ों के पीछे मत पड़ो, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग जिसको जाना ही नहीं है इस गेम में, तुम्हारा ये प्रोफेशन ही नहीं है, तब भी लोग आजकल पहले ही जाते हैं सीधा वो सप्लीमेंट दे दो वो दे दो, यूज़ करना नहीं आता। और तो जो सुपर काइंड ऑफ लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, वो तो स्टेरॉइड की फील्ड में मतलब कूद जाते हैं, डाइव लगा देते हैं जिसके बारे में पता ही नहीं, फिर बीमार हो जाते हैं, बहुत बुरे इफेक्ट पड़ते हैं बॉडी पे। और आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत से जो क्या कहते हैं मैं छोटे भाई लोग हैं, वो छोटी सी चीज़ें नहीं हो जाती, ये छोटी सी चीज़ें अचीव नहीं कर पाते हैं तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहस की टांग सब चीज़ें हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ जिसको ट्रांसफॉर्मेशन नेचुरल करना है ना, जब मैं डालूंगा जब देख लेना, कोई सप्लीमेंट कुछ काम नहीं आता मेरे भाई, हार्डवर्क काम आता है और आपका डिसिप्लिन काम आता है। अगर कोई चीज़ छोड़ो, हटाओ, जिम हटाओ, ये ट्रांसफॉर्मेशन हटाओ, कोई चीज़ जो तुम चाहते हो ना उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाओ ना, तो बहस की टांग उसको होना पड़ेगा, ठीक है, उसको होना पड़ेगा। ये डिप्रेशन में जाने से कुछ नहीं होगा, डिप्रेशन में जाओगे तो क्या वो चीज़ हो जाएगी, वो बिल्कुल नहीं होगी। इसलिए ये फालतू जो ख्याल है ना दिमाग से निकाल दो, और जो चीज़ सच में चाहते हो ना उसके पीछे पड़ जाओ। अगर तुम नहीं पढ़ पा रहे हो तो वो चीज़ तुम सच में चाहते ही नहीं हो, छोड़ो उसको, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो। और अब काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जो कि मतलब कुछ करना स्टार्ट करते हैं लेकिन उनके आजू बाजू वाले, अरे ये क्या कर रहे हैं, ऐसे क्या वैसे क्या, तो मैं अब एक चीज़ और बता दूँ, यार तू जिम क्यों जा रहा है, तू ये काम क्यों कर रहा है, अरे इससे तेरा कुछ नहीं होगा। भाई वो एवरेज लोग हैं, वो अलग हटके नहीं सोच सकते हैं, वो हर चीज़ में तुमको पिन पॉइंट करेंगे, कुछ कहेंगे। अगर तुम उन पे ध्यान देते हो ना, तो मैं सच बता रहा हूँ, जो करना उसको छोड़ दो, क्योंकि वो कभी हो ही नहीं पाएगा। आजू बाजू पे ध्यान देना छोड़ दो, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है। अगर तुम्हें अपने पे भरोसा है, जो तुम करना चाहते हो उस चीज़ पे भरोसा है ना, तो उसको पूरी शिद्दत से करो, वरना छोड़ दो। मैं तो यही कहता हूँ, अपना टाइम वेस्ट मत करो। अगर जो चीज़ तुमको करनी है, दिल से करनी है, तो उसको पूरी शिद्दत से, लगन से करो। अगर नहीं कर पा रहे हो, लोगों की बातों से जिस दिन तुमने अफेक्ट होना शुरू कर दिया ना, तो उस दिन समझ लेना तुम्हारी लंका लग जाएगी, जस्ट अभी जैसे रावण की लगी है दशहरे के दिन, बस जस्ट वैसे ही लग जाएगी। और यहाँ पे तो भाई वी डू डिफरेंट बट वी डोंट डू एवरेज, ठीक है ना। ये तुम भी अपनी लाइफ का बिल्कुल फंडा बना लो, समझ गए, आज ज्ञान ज़्यादा हो गया ना, ज़्यादा हो गया लेकिन सही हुआ है, समझ में बिठा लेना, मजाक में मत लेना इन सब बातों को, ज्ञान ज़्यादा है बोल दिया तो। जिसको नहीं पता, मेरे पास बुलेट भी है और काफ़ी टाइम से इसका भी व्लॉग बनाने का मैं सोच रहा था, तो बताओ नीचे कमेंट में, बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, क्या करूँ, क्या 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 कह रहे हो, टी शर्ट कैसे चेंज होगी एकदम से चलते चलते, तो इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है भाई, नहा लिया उस टाइम, बिना नहाए व्लॉग मार रहे थे, अब नहा चुके हैं, फ्रेश हो चुके हैं। चीज़ बता देना चाहता हूँ, एक्चुअली सबसे बड़ा चक्कर क्या है कि मैं ये वाला वीडियो भी डालने में थोड़ा सा हिचकिचा रहा था। मैंने ये चीज़ सोची थी कि मैं बोल तो रहा हूँ लेकिन क्या मैं ये कर पाऊँगा, ठीक है। लेकिन जब आपके माइंड में चीज़ आए ना कि ये मैं कह रहा हूँ लेकिन क्या मैं ये कर पाऊँगा, तो उस चीज़ को तो ज़रूर करना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर,
कभी भी बैकआउट मत करो ऐसे सिचुएशन से या ऐसी चीजों से। तो मैंने भी हिम्मत करके ये वाला वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए डाला है ताकि ये चीज मैं आप लोगों के सामने अनाउंस कर दूं। तो एक कह सकते हैं कि खुद की ही मदद कर रहा हूं ये मैं वीडियो डाल के। एक थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ेगा माइंड पे, या थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा, यार तूने बोल तो दिया है और अब तूने नहीं किया इसको प्रॉपरली ढंग से पूरा 90 दिन का, 3 महीने का, तो सब कहेंगे यार फेंक रहा था, ये कर रहा था, करा तो नहीं तूने। ये भी एक कारण है इस वीडियो को डालने के लिए। लेकिन मैं चाहता हूँ लाइफ में तुमको लगे ना कि चीज़ नहीं यार मेरे से नहीं हो पाएगी, उस चीज़ को ज़रूर करो, पीछे पड़ जाओ उसके, चाहे कोई कुछ भी कहे, कोई दूसरा तुम्हारी किस्मत लिखेगा या लाइफ लिखेगा, इससे अच्छा तुम अपने हाथों से लिखो, दूसरों के हाथ में वो पेन मत पकड़ाओ तुम्हारी लाइफ लिखने का, ठीक है ना। तो अपने डिसीजन हमेशा खुद लो, बोल्डली लो, और जिस चीज पे तुमको पूरा यकीन है ना वो ही डिसीजन लो, बेवकूफी में ऐसा नहीं कि कुछ भी डिसीजन ले लिया। तो मेरे प्यारे यूट्यूब वासियों, ये वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ यही बताने के लिए बनाया था। जो नॉर्मल ब्लॉग्स हैं वो अगले वीडियो से तुम सबको मिलने लग जाएंगे। और प्लीज इंस्टाग्राम पे arjun_blinglife जो कि नीचे भी लिखा आ रहा है वहां पे मुझे फॉलो कर लेना, क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स हैं जो मैं वहां पे स्टोरी में दूंगा। अभी मेरे पास यूट्यूब में स्टोरी वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो उसको फॉलो करके रखना। छोटे मोटे जो भी अपडेट होंगे बीच में मैं वहां पे देता रहूंगा, तो ये चीज बिल्कुल अच्छे से याद से कर लेना। तो ठीक है भाई, ये जो मंडे आ रहा है इस मंडे से स्टार्ट करेंगे वो जर्नी, और उस जर्नी को मैं शूट करना भी स्टार्ट कर दूंगा, डालूंगा खत्म होने के बाद, ठीक है। बाकी तो तुम अभी देखो जुल्फे, देखो तुम्हारे भाई की, मतलब आए हाय हाय क्या लटे निकल रही है। खैर इस वीडियो के लिए इतना ही, कोई प्रॉपर नॉर्मल व्लॉग नहीं था, वो अगली बार से आएंगे। तो जैसे कि हमेशा मैं कहता हूँ एंड में कि डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मदर मैन, और स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।